रायपुर पुलिस ने ऐसे ही शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो हेलमेट पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। इस गुनाहगार को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस को खास टीम बनाना पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। रायपुर में पुलिस के हत्थे चाह शातिर चोर हेलमेट लगाकर देता था वारदात को अंजाम। पुलिस को हेलमेट चोर ने खूब सिखाया, आखिरकार गिरफ्त में आ ही गया चोर। रायपुर पुलिस ने ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो हेलमेट पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी यूसुफ खान ने दो वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। आरोपी के पास से 6 लाख रुपए की नकदी और एक गाड़ी बरामद की गई। ये पीएस कोतवाली का मामला है जहाँ पे एक चोर की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम यूसुफ खान है, जो डीडी नगर का निवासी है। इनसे प्रारंभिक पूछताछ में रायपुर के ही 10 चोरी के मामले इन्हें कबूली है। वर्तमान में इसके पास से 5,70,000 नगद, कुछ ऑर्नामेंट, मोबाइल, कुछ पुराने गाड़ियों के नंबर, एक पल्सर बाइक बरामद हुआ है और ताला वाला तोड़ने के औजार भी इनके पास से मिले हैं। आरोपी को अपने शिकंजे में लेने के लिए पुलिस टीम को नाखो चने चबाने पड़ गए। ये चोर इतना शातिर था कि हेलमेट पहनकर वारदात को अंजाम देने के लिए निकलता था ताकि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उसका फोटो कैप्चर ना हो जाए। लेकिन गुनाहगार कितना भी शातिर हो, एक न एक दिन अपने जुर्म का सुराग छोड़ ही जाता है। चोर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये अंतिम बार अभी एक जगह असफल था और इसको काफी लोगों ने वहां पे दौड़ाया भी था, तो कुछ लोगों ने इसका हुलिया देख लिया था। हुलिया पर से पुलिस को जानकारी दिया तो उसे आसपास के एरिया का हम लोगों ने गहनता से सीसीटीवी फुटेज और टावर डंप लेके सर्चिंग किया, तो उसमें ये हुलिया सामने आया था। क्योंकि पहले एक बार मैंने पूर्व में कहा था, 3 साल पहले चोरी मामले में जेल जा चुका था। हुलिया पर से इसको आइडेंटिफाई किया गया और लाके पूछताछ की गई, तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और इसके पास से जो चोरी की रकम है बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए खास टीम तैनात कर रखी थी, जिस टीम ने बेहद ही बारीकी से जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया। चोर के पास से 6 लाख रुपए नकद और एक गाड़ी और चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार भी बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने भी अब राहत की सांस ली है। हवालात के लिए सत्या राजपूत की रिपोर्ट। हवालात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां एनकाउंटर के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा खतरनाक गिरोह और किस शहर में ठग ने किराए पर चला दिया बैंक खाता।